नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के लिए मैं पहले से आपको बता दूं, आपके सीजी बोर्ड की बुक में ये मेथड इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और फटाफट चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इस मेथड को स्किप कर दें, ये वीडियो स्किप करके डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 9 में पहुँच जाइए और वहाँ से ऑनवर्ड आगे के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए। ऑलरेडी 2 मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड सफिशियंट हैं पूरे एक्सरसाइज और पूरे इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं तो फिर आपको ये वीडियो डिटेल से देखना चाहिए। इसका डेरिवेशन सबसे पहले मैं करूँगा, तो आपको ये सीखना है कि डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे कोई रिजल्ट निकलता है, और इसका यूज़ भी मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस में किया करूँगा, क्योंकि मैं कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन इससे भी सॉल्व करूँगा। तो आपको फिर ये मेथड भी बनेगा और आप इसको भी सीखेंगे जैसे बाकी के मेथड आप सीखते आ रहे हैं। तो बने रहिए, इसको देखिए, ये आपके स्कोप के लिए नहीं है भाई ना, लेकिन आपके नॉलेज के लिए है। ओके, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फार्मूला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फार्मूला हमने बेसिक लेक्चर में कवर किया है। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। पहला इक्वेशन a1x b1y + c1 = 0, दूसरा इक्वेशन a2x b2y c2 = 0। a1 b1 क्या है, x और y के कोफिशियंट, a2 b2 x और y के कोफिशियंट दूसरे इक्वेशन के। c1 पहले इक्वेशन का कांस्टेंट है, c2 दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट है। ये हमने पहले लेक्चर में जो इस इक्वेशन को ये इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय जो हम लेक्चर ले रहे थे, बेसिक फंडामेंटल लेक्चर, उसमें हमने सबसे शुरू लेक्चर में यही बात की है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड चूज करेंगे इसको डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पर मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, आंसर है पहले हम सेट करते हैं टारगेट कि हमको एक वेरिएबल डिलीट करना है। एक वेरिएबल डिलीट हो जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा और एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो वेरिएबल भी आप बचाना चाहते हो। दूसरी चीज़, जिस वेरिएबल को डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है, उसका कोफिशियंट हम लोग सेम बनाते हैं। सेम बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ मुझे वाई डिलीट करना है, दोनों इक्वेशन से मैं वाई डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन पहले इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट b1 है और दूसरे इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट b2 है, ये दोनों कोफिशियंट अलग अलग हैं तो डिलीट नहीं होंगे, तो हमको दोनों के कोफिशियंट को सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने का तरीका क्या है, इस पूरे पहले इक्वेशन को इसके कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी b2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले इक्वेशन को, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा b1 b2। दूसरे इक्वेशन को मैं पहले वाले y के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे इक्वेशन को, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, b2 तो है, b1 भी आ जाएगा, तो b1 b2। अब ये भी b1 b2, ये भी b1 b2, सेम हो गया कोफिशियंट y के, y डिलीट हो जाएगा। तो पहले हमको चूज करना है कि आप x को डिलीट करना चाहते हो या y को, तो मैंने क्या चुना है, मैं y को डिलीट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू एलिमिनेट y, y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशियंट से, यानी किससे, b2 से। पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, b2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय b1। और दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले इक्वेशन के y के कोफिशेंट यानी b1 से, तो b1 से दूसरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट देखिए फटाफट ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन में b2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस इक्वेशन में b1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से समझते चलना, ये चीज़ मैं यहाँ नहीं लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं लिख के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम इसको मिटा देंगे। देखो पहले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या बनेगा ना, ध्यान से देखते चलना, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसमें इसमें इसमें, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो a1 b2 x हो गया, ये x, ये मल्टीप्लाई है भाई ना, मैं भी मिटा देता हूँ मल्टीप्लाई, फिर b1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b1 b2 y, b1 × b2 y प्लस b2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ, सो दिस इज ओके b2 c1 इक्वल टू b2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ये बन गया, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3।
ओके बी वन का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करूंगा, तो देखना ना ये पहले से क्या था, ए टू बी वन एक्स, फिर ये बी वन बी टू वाई, बी वन बी टू वाई प्लस बी वन सी टू इक्वल टू बी वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, ये फोर हो गया इक्वेशन। यहाँ तक समझे आप? अब देखिए y का कोफिशियंट और y का कोफिशियंट सेम हो गया है, दोनों का साइन प्लस है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस। ये हम पहले ही एलिमिनेशन मेथड में मैंने डिटेल से इसको बता दिया है कि क्यों कर रहे हैं। माइनस करने से सबका साइन बदलेगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखो ये तो डिलीट हो गया, ये ख़त्म हो गया, बी वन बी टू वाई प्लस में, बी वन बी टू वाई माइनस में, ख़त्म हो गया। ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस होगा। अब यहाँ देखना ना, इससे इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, ए वन बी टू एक्स माइनस ए टू बी वन एक्स, ये हो गया, ये माइनस ये लिखा मैंने, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब ये बचा यहाँ प्लस, देखना ना, दिस इज़ बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू, ये प्लस में लिख दिया और ये माइनस में लिख दिया, इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, और दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लिया। फिर से देखो, इन दोनों को मैं इक्वल के उस पार भेज रहा हूँ, तो ये चीज़ उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस बी वन सी टू, और ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस बी टू सी वन, आया। अब ये पूरा नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू। देखो एक वेरिएबल डिलीट किए हैं तो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी ना, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बना, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइडेड बाय, ये पूरी चीज़ नीचे आ गई, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, और ये क्या बन गया, x की वैल्यू बन गई। तो हमने देखो y डिलीट करके x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के हम चाहे तो इक्वेशन नंबर टू में रखें, इक्वेशन नंबर वन में रखें, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये b1 b2 मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा था ना, इसको आप समझते चलिए। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, इस x की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करता हूँ और y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते चलना। थोड़ा सा ये कठिन है क्योंकि अभी मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, आपको हर क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, आप इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट हम याद करेंगे और उस रिजल्ट को पुट कर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है बहुत आसान। मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है, तो अपने नॉलेज के लिए इस वीडियो को देखेंगे आप। ओके अगली चीज, एक्स की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर वन में, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर वन। हमारा इक्वेशन नंबर वन क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, देखना ना, ए वन एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करना है मुझे, ठीक, दिस इज बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये देखो ये है ए वन, ए वन के साथ x, तो मैंने ए वन के साथ x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से उठा के लिख दिया, उसके बाद प्लस बी वन वाई, प्लस बी वन वाई, फिर प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से मुझे क्या निकालना है, देखो सिर्फ कौन सा वेरिएबल बचा, y, x की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी है तो सिर्फ y बचा, y निकलेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं y को उस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, y को मैं इक्वल के उस पार ले जा रहा हूँ और y की वैल्यू सॉल्व करता हूँ। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके आपको स्टेप बताता हूँ ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये नोट करें, यहाँ तक आप नोट करिए, इसको मैं उस पार ले जा रहा हूँ, ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, और इसको देख के डरिए नहीं ना, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया था, हम क्या किए, हम इसको उस पार ले गए क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो गया बी वन वाई, ठीक, इधर कौन बचा, ये c1 बचा इधर, और ये a1 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है,
क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, तो a1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, a1 b1 c2, a1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a1 b2 c1 डिवाइडेड बाई, ये तो है ही ये, और ये c1 यहाँ बचा है, b1 y उधर चला गया माइनस में, ठीक। उसके बाद इसका देखो हमने LCM निकाला, इसके नीचे कौन है, a1 b2 माइनस a2 b1, और c1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका और 1 का LCM कितना आएगा, यही चीज़ आएगी a1 b2 माइनस a2 b1, ये हुआ। अब हमने इससे इसको डिवाइड किया, कितना आया 1, 1 से इस ऊपर वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो ये सेम टू सेम ऊपर वाली क्वांटिटी उतर गई, LCM लेना तो आपको आता है। फिर से इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, अब इससे C1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इससे हमने C1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ना आगे ये चीज़ तो एज इट इज़ उतर गई यहाँ, प्लस C1 से मैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो देखो A1 B2 C1 हो गया और माइनस A2 B1 C1, A2 B1 C1 ओपन हो गया ब्रैकेट। अब देखो क्या है ना, यहाँ देखो A1 B2 C1 माइनस में, A1 B2 C1 प्लस में, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो गई। अब क्या बचा देखना ना, यहाँ पर बचा A1 B1 C2 माइनस, उधर लास्ट वाला कौन बचा है A2 B1 C1, और डिवाइड में कौन बचा है, ठीक डिवाइड में कौन बचा है A1 B2 माइनस A2 B1, और उस पार कौन है माइनस B1 Y, ठीक है यहाँ तक पहुँचे हम माइनस बी वन वाई। आप देखो ना यहाँ पर देखना, यहाँ बी वन है इसमें भी बी वन है, दोनों क्वांटिटी में बी वन है तो बी वन कॉमन निकल जाएगा, हमने बी वन कॉमन निकाला। अब मैं इसको उधर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह लेकर के बाद में इसको रब करते हैं, बी वन हम कॉमन निकाल रहे हैं, बी वन इसमें से कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ पहले सी लिख रहा हूँ ना मैं, सी टू B1 निकल गया तो C2A1 बचा, C2A1 ओके ऐसे लिख देते हैं C2A1, और यहाँ से भी B1 चला गया तो यहाँ कौन बचा C1A2 माइनस C1A2 ये, और इसके नीचे क्या है A1B2, A1B2 माइनस A2B1, और उधर है माइनस B1Y। देखो तो B1 को कॉमन निकालने के बाद इतना बचेगा, ठीक है। अब देखो इधर भी B1 इधर भी B1 दोनों तरफ B1 है कैंसिल हो गया, ये B1 और ये B1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2B1, उधर बचा माइनस Y, माइनस Y। इस माइनस को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, वो वाई से तो माइनस हटाना है ना, तो चाहो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस, प्लस साइन है इसका ना, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस, तो ये क्वांटिटी प्लस में हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्वांटिटी प्लस में हो रही है इसलिए इसको पहले लिखता हूँ प्लस में मैं C1A2, और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको तो ये प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 ये, और उधर बचा प्लस Y, यही Y की वैल्यू है। तो Y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखिए ना, दिस इज C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, हाँ ये आ गया Y का वैल्यू। तो X और Y दोनों की वैल्यू हमको मिल गई, ये रहा डेरिवेशन, X की वैल्यू ये है, Y की वैल्यू ये है। वीडियो को पॉज करिए, डिटेल से देखिए, एनालाइज करिए, कॉपी में लिखिए, और इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। तो X और Y की ये वैल्यू हमको मिली डेरिवेशन के बाद, बाकी का डेरिवेशन आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं X और Y की वैल्यू में, ठीक है। अब यहीं पर खेल है, देखो ये दो इक्वेशन थी, दोनों को सॉल्व करते चाहे हम एलिमिनेशन मेथड से करते, चाहे सब्सटीट्यूशन मेथड से करते, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से करते,
हमको एक्स और वाई की वैल्यू ही तो निकालनी होती है, तो एक्स की वैल्यू इतनी आई, वाई की वैल्यू इतनी आई, ये फार्मूला बन गया। अगर आप इस फार्मूले को याद करके किसी भी इक्वेशन के कंपैरिजन से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लें और इनमें पुट कर दें, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी रिजल्ट को देखते हुए हमने थोड़ा सा इसका कंक्लूजन निकाला है, रिजल्ट निकाला है। इसको हम इस फार्मूले को भी और छोटा करेंगे भाई ना, तो आप डरिएगा नहीं, थोड़ा देर और बने रहिए। इस फार्मूले को मैं और छोटा करने वाला हूँ। अभी पहले ये देखिए कि एक्स का सॉल्यूशन कब आएगा और कब नहीं। नीचे वाली क्वांटिटी देखिए डिनोमिनेटर को, अगर ये डिनोमिनेटर कोई नंबर आया, यानी ये माइनस ये करने पर कोई नंबर आया, तो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर कुछ आएगा, यानी एक्स की वैल्यू कुछ आएगी। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू भी कुछ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 है, यहाँ भी a1 b2 माइनस a2 b1 है, यानी दोनों एक्स और वाई का डिनोमिनेटर सेम आया है ना। अब इन दोनों डिनोमिनेटर के बारे में हम बात करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर किसी नंबर का, देखो ये कब सॉल्व होता है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कब सॉल्व होते हैं, ध्यान से देखिए ना, एक्स या वाई कोई भी नंबर हो, अगर यहाँ पर कोई नंबर हो और नीचे में भी कोई नंबर हो अदर देन ज़ीरो, नीचे का नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप रेशनल नंबर पढ़ते हो ना, रेशनल नंबर में आप पढ़ते हो कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्मेट का रेशनल नंबर होता है, सॉल्व हो जाता है, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू ज़ीरो हो गया, डिनोमिनेटर ज़ीरो हुआ, तो फिर सॉल्व नहीं होगा। ऊपर मान लो कोई भी नंबर आया, जैसे सॉल्व होकर के ऊपर 7 आया, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो गया, तो 7 डिवाइडेड बाय ज़ीरो कुछ होता है क्या? क्या मैं 7 को 0 से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड हो जाएगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 मर जाए टेबल पढ़ते पढ़ते, कभी भी 0 के टेबल में 7 नहीं आएगा। तो 0 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 7 आ जाए तो सॉल्व हो जाए? आंसर है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, अनंत तक पढ़ते जाओगे तो भी नहीं आएगा, यानी इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हुआ तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा, यानी उसका कोई आंसर नहीं आएगा। तो हम यही चाहते हैं कि एक्स की कुछ वैल्यू निकले, वाई की कुछ वैल्यू निकले, तो कब निकलेगी? तो आंसर है जब ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, जब ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा तब निकलेगी वैल्यू। तो इसी से हमने कुछ रिजल्ट्स बनाए हैं, वो रिजल्ट्स क्या हैं देखिए। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना, केस नंबर वन देखो ना, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ केस नंबर वन। डिनोमिनेटर क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1। ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा तभी x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। और अगर यही डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, ये यही चीज़ है ना डिनोमिनेटर में, ये ज़ीरो हो गया तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो सॉल्व नहीं होता, तो ना तो x की वैल्यू निकलेगी ना y की वैल्यू निकलेगी। तो ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ना, मैं इसको उस पार ले जा रहा हूँ, मैं सिचुएशन बना रहा हूँ, a1 b2 नॉट इक्वल टू, देखो ना, जैसे इक्वल के उस पार हम ले जाते हैं तो साइन बदल जाता है, वैसे ये इक्वल का ही तो भाई है, नॉट इक्वल। ये चीज़ इधर माइनस में है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, a2 b1। अब मैं a को एक तरफ कर लेता हूँ, b को एक तरफ कर लेता हूँ। यहाँ देखो a2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल की इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, a1 ये नीचे आ गया डिवाइडेड बाय a2। b1 b को भी b के पास भेज रहा हूँ, b2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल की उस तरफ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, बीच में साइन नॉट इक्वल लगा है। a2 को तो मैंने इधर बुला लिया, उधर बचा b1 और ये b2 चला गया उसके नीचे, और ये बन गया हमारा पहला कंडीशन। आप ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये a1 a2 b1 b2 क्या हैं? तो आंसर है ये कोफिशिएंट हैं x और y के। ये देखो ना a1 a2 एक और दो, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में जो x आता है उनके कोफिशिएंट हैं, b1 b2 y के कोफिशिएंट हैं। तो अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट देखें, ध्यान से समझना, हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में रहेगा, कोई क्वेश्चन दिया है, हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हम ये देखेंगे पहले इक्वेशन से a1 का a1 कोफिशियंट, दूसरे इक्वेशन से a2 कोफिशियंट, दोनों को हमने डिवाइड किया यानी रेशियो निकाला, और b1 अपॉन b2 ये दूसरे कोफिशियंट का रेशियो निकाला। अगर ये दोनों रेशियो सेम नहीं हैं, a1 अपॉन a2 किए, b1 अपॉन b2 किए, अगर ये सेम नहीं हैं तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, और जब ये कंडीशन फुलफिल होती है यानी ये डिनोमिनेटर जब जीरो नहीं होता है तभी x की कुछ वैल्यू आती है, y की कुछ वैल्यू आती है, यानी तब जाके कोई सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्यूशन कब मिलेगा? आंसर है जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब मिलेगा। और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने से x का एक वैल्यू मिलेगा, y का एक वैल्यू मिलेगा, तो एक एक वैल्यू मिलेंगे, और एक एक वैल्यू के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन किसकी बन गई? यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन, और जब भी कोई सॉल्यूशन यूनिक होता है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था, याद करिए, दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, तो इसका ग्राफिकल नोटेशन कैसा हो जाएगा? 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, दो इंटरसेक्टिंग यानी इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, या 2 लाइन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। ये सब कब होगा? ये बिना सॉल्व किए सिर्फ हम ये देख के बता लेंगे, ये कंडीशन बनेगा, इस कंडीशन से ये बनेगा। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और इसको इस पार बुला लोगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और ये चीज़ क्या है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता तभी तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है एक्स और वाई की। तो ये पहला कंडीशन बन गया, ये याद कर लीजिए आप। अच्छा, दूसरी चीज़, मान लो ये जीरो हो जाए, केस नंबर 2 देखना ना, केस नंबर 2, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर क्या है? a1 b2 - a2 b1, अगर ये जीरो हो जाता, अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो कुछ आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड। तो फिर x और y का कोई सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अगर ये हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसकी पहचान हम क्या बनाते हैं? देखो, इसको फिर से उस पार भेजता हूँ मैं, ध्यान से देखना, a1 b2 = a2 b1, और इसको मैंने कर लिया a1 upon a2 = b1 upon b2। ये चीज़ देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, बीच में इक्वल साइन, यहाँ जैसे मैंने किया सेम वैसे किया। तो अगर a1 upon a2 और b1 upon b2 बराबर आ गया, दोनों का रेशियो सेम आया, यहाँ देखो a1 upon a2 और b1 upon b2, अगर ये दोनों अलग अलग रेशियो आए तब तो सॉल्व होगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ये मैंने यहाँ पर बताया आपको। लेकिन मान लो अगर इनका रेशियो हमने लिया और ये बराबर आ गए, दोनों सेम सेम नंबर आ गए। एक क्वेश्चन है, मैंने इन दोनों का रेशियो देखा, इन दोनों का रेशियो देखा, जैसे एग्जांपल भी मैं आपको बताते चलता हूँ। मान लो ये था 2x + 3y = 15, यहाँ पर भी मान लो ये है 4x और 6y, ये मान लो 5 है और ये 15। तो देखो, अगर मैंने इसका रेशियो निकाला 2 upon 4 और इसका रेशियो निकाला, ये a1 upon a2, ये b1 upon b2, तो दोनों देखो कितना आया, दिस इज 1 upon 2 और ये भी कितना आया 1 upon 2, दोनों रेशियो बराबर आए, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। कहने का मतलब समझ गए आप एग्जांपल से? अगर ये दोनों रेशियो बराबर आ गए, सेम सेम 1 upon 2 1 upon 2, दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू भी 1 upon 2, इसका भी वैल्यू 1 upon 2, तो इसको मैंने बोला कि ठीक है चलो, दोनों का रेशियो सेम आया, कितना? के कौन है? ये 1 upon 2, जो रेशियो बनेगा वो के है। दोनों का रेशियो सेम आता है तब क्या होता है? तो हम इसके लिए थोड़ा सा कंडीशन और चेक कर रहे हैं ना, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ और ये कंडीशन मैं चेक करने जा रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो ना, ये a1 upon a2 भी के है, b1 upon b2 भी के है, इसको समझना थोड़ा सा। a1 upon a2 भी k है, तो देखो ना, यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, a2 इधर भेज दे रहा हूँ, a1 = a2k, और b1 upon b2 भी k के बराबर था, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, b1 = b2k। ध्यान से देखते चलना, ठीक है, यानी मैं a1 की जगह इतना रख लूँ,
और बी वन की जगह इतना रख लूँ, कौन सी इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में, तो ए वन की जगह ए टू के आ जाएगा, ए टू, ए टू यहाँ भी है यहाँ भी है, सेम सेम हो जाएगा। बी वन की जगह बी टू के आ जाएगा, बी टू सेम सेम हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ जो ये बची, ये भी हमको पता चल जाएगी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसको पुट करता हूँ पहले इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर वन। देखो ए वन की जगह मुझे क्या रखना है, ए टू के एक्स, बी वन की जगह क्या रखना है, बी टू के वाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये सी वन इक्वल टू जीरो, इसका मैं नाम रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। ये चीज़ बनी, अच्छा यहाँ से k कॉमन निकला, k दोनों में है तो हमने k कॉमन निकाला, ये क्या बचा, a2 x प्लस बी टू वाई और प्लस c1 वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ बन गई है ना। अच्छा ये दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर थर्ड बोल रहा हूँ। अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर a1 की जगह a2 आ गया, b1 की जगह b2 आ गया, अगर c1 की जगह c2 हो जाए, c1 की जगह c2 हो जाए तो क्या होगा, मान लो देखना ना, इफ़ c1 इज इक्वल टू c2 के हो जाता, यानी कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझना इसको ना, जैसे 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 यहाँ देखना ना, जैसे a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम आया, वैसे ही मान लो अगर मैं c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालता और वो भी उतना ही आ जाता, 1 अपॉन 2 सेम आ जाता, इफ c1 अपॉन c2 भी k आ जाता सेम टू सेम, यानी इससे क्या रिजल्ट मिलता, c1 इज इक्वल टू c2 k, ये तो क्या होता, तो होता ये कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख देता तो इसमें भी k आ जाता, यानी ये भी क्या बन जाता, c2, जैसे ये a2 k, b2 k, c2 k, तो देखो यहाँ भी a2, इसमें भी a2, इसमें भी a2, इसमें भी b2, इसमें भी b2, ये क्या बन जाता, c2, यहाँ भी c2, सेम सेम हो जाता, सिर्फ k निकल जाता सबसे कॉमन, सबसे कॉमन निकलता k, सबसे कॉमन निकलता k, ठीक है। तो क्या होता, तो होता ये कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम हो जाता। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप उसको दिमाग लगा के सोचोगे तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। अगर मैं एक मिनट सोचना, एक मिनट देखना ना, मान लो ये भी होता, अभी जो मैंने लिखा लेट, मान लो c1 अपॉन c2 का रेशियो भी सेम उसी के बराबर हो जाता, तो इसको हम पुट करते, यानी ये क्या देता हमको, c1 इज इक्वल टू c2 के, और इसको मैं पुट करता इक्वेशन फर्स्ट में, पहले इक्वेशन में पुट करता तो देखो क्या होता, a1 की जगह कितना लिखता मैं, a2 के x, b1 की जगह कितना लिखता, b2 के y, और c1 की जगह कितना लिखता, c2 के इक्वल टू ज़ीरो, सब में k कॉमन है, तो मैं k अगर कॉमन निकालता तो देखो ये क्या बन जाता, a2 x प्लस के बाहर चला गया b2 y प्लस के बाहर चला गया c2 इक्वल टू ज़ीरो, ये बनता, ये है मान लो हमारा इक्वेशन नंबर थ्री। अब थोड़ा सा सोचो, ये पहले इक्वेशन का रंग रूप बदल के ऐसा हो गया, और ये चीज़ क्या है अंदर, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू, ये कौन है इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू सेम सेम हो गए कि नहीं, डिफरेंस सिर्फ किसका आया, रेशियो का, रेशियो मतलब कितने गुना, तो इक्वेशन नंबर टू जितना है उसका के गुना इक्वेशन नंबर वन बन गया। अब ये रेशियो में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन इसी चैप्टर में आगे जब आप चौथा पाँचवा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वहाँ पर इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहला इक्वेशन सेम हो गया दूसरे इक्वेशन की तरह, तो दूसरे इक्वेशन की जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगी, वही वैल्यू एक्स और वाई की होगी पहले इक्वेशन के लिए भी, या पहले इक्वेशन की एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी सेम टू सेम वही चीज़ दूसरे इक्वेशन की एक्स और वाई की वैल्यू बनेगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम है ना भाई, पहला इक्वेशन भी a2 b2 c2 बन गया है, दूसरा इक्वेशन भी a2 b2 c2 है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। ये कब होगा, जब a1 a2 b1 b2 का रेशियो जितना है उतना ही रेशियो किसका हो जाए,
C1 C2 का भी अगर उतना ही रेशियो हो जाए तो फिर पहले इक्वेशन को जो सॉल्यूशन निकलेगा वही सॉल्यूशन दूसरे इक्वेशन का भी माना जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के लिए सेटिस्फाइड होंगे। पहले इक्वेशन की x और y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन के x और y की वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी, और कितने वैल्यू निकाल सकते हैं, जितने आप चाहें उतने निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयरफोर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हो गया और c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों बराबर हो गए, एक जैसे रेशियो हो गए, एक जैसे, तो फिर पहले इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू दूसरे इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू को सेटिस्फाइड करेंगे, और दूसरे इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू पहले इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू को सेटिस्फाइड करेंगे, यानी जितने सॉल्यूशन आप चाहें उतने निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनता था, ये हम पहले नोट कर आए हैं, दो इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, टू को इंसिडेंस लाइन, ये इसका ग्राफिकल नोटेशन बन गया। पहली चीज, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे निकलेगा मैंने बताया, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर हुआ तो फिर हम तीसरा रेशियो देखेंगे, खाली इन दोनों को देख के फैसला नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर हुआ तो तीसरा रेशियो हम देखेंगे C1 अपॉन C2 का, अगर C1 अपॉन C2 भी इन्हीं दोनों की तरह सेम रेशियो का बन गया तो दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन इसमें हम लेते हैं, मान लो ये दोनों बराबर हुए और हम तीसरा रेशियो देखने के लिए गए C1 अपॉन C2 और वो इनके बराबर नहीं आया, तो फिर क्या होगा। यहाँ तक आप समझ गए, इसको मैं मिटा रहा हूँ और तीसरा कंडीशन मैं ले रहा हूँ। तीसरा केस, मान लो अभी तो हमने ये बनाए ना, मान लो बट इफ हमने तीसरा रेशियो चेक किया, जैसे किसी इक्वेशन को हमने देखा, अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा था 2x + 3y = 5, ये है 4x + 6y = 15, ये मैंने लिखा था पहले, तो देखो 2/4 भी कितना आता, 1/2, 3/6 भी कितना आता, 1/2, 5/10 मान लो इसको ना, ये भी 2, 5/10, ये भी कितना आता, तो ये रेशियो, ये तीनों रेशियो बराबर हैं तो फिर ये वाली कंडीशन लगेगी जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने इसका रेशियो देखा, सेम आया, जब सेम आएगा तो आप तीसरा रेशियो चेक करेंगे, तीसरा रेशियो भी सेम हो जाएगा तो ये वाला हुक्म लगा देंगे, ये ऑर्डर लगा देंगे कि ऐसा इक्वेशन मेनी सॉल्यूशन देगा। लेकिन मान लो मैंने तीसरा इक्वेशन देखा और वो ये था, ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये कितना है, 5/15, यानी 1/3, 5/15 का मतलब 1/3। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, पहला आया 1/2, दूसरा आया 1/2, तीसरा आया 1/3, इन दोनों का रेशियो तो सेम है लेकिन ये वाला रेशियो सेम नहीं आया, C1/C2 ये सेम नहीं आता। तो मान लो C1/C2 के बराबर नहीं आता, के क्या चीज़ था, 1/2 सेम रेशियो, ये मान लो बराबर नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखना ना, C1 = C2 के नहीं होगा, फिर ये चीज़ बराबर नहीं होगी। और अगर ये बराबर नहीं होगी तो फिर से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ, A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, ध्यान से देखना, तो ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये दोनों इक्वेशन के यहाँ तक तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। जब ये इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या पहले इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यू दूसरे इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यू को सेटिस्फाइड कराएंगे, नहीं कराएंगे, या दूसरे इक्वेशन की एक्स और वाई की वैल्यू पहले इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यू को सेटिस्फाइड कराएंगे, नहीं कराएंगे, यानी ना इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा ना इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये कब होगा, जब हमारा C1 C2 का रेशियो डिफरेंट आ जाएगा, A1 A2 बराबर आता है, आने दो, C1 C2 अगर बराबर नहीं आया तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो हमारा तीसरा केस क्या बना, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करके नहीं दिखा रहा भाई ना, अभी मैंने आपको दिखाया पुट करके कि अगर मैं A1, B1, C1 अगर तीनों बराबर हो जाते तो इसमें मैं तीनों की वैल्यू पुट करता तो ये सेकंड इक्वेशन की तरह बन जाता पूरा। लेकिन अभी C1, C2 के बराबर नहीं है तो ये पूरा सेकंड इक्वेशन नहीं बनेगा तो क्या होगा, देखना ना, केस नंबर 3 बना रहा हूँ मैं, केस नंबर 3,
अगर ए वन ए टू का रेशियो बी वन बी टू के रेशियो के बराबर हो गया लेकिन सी वन सी टू का रेशियो बराबर नहीं आया, तो फिर पहला इक्वेशन पूरी तरह से दूसरे इक्वेशन की तरह नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा बनेगा, दो पैरेलल लाइन, ये हम पहले कर चुके हैं, दो पैरेलल लाइंस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब से जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन कैसे होंगे, पहले जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको हम देख के बता देंगे, हालांकि ये हमारा टॉपिक आएगा जब ये सेकंड एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, और सेकंड एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो यही होगा, और इसको हम फिर से दोहराएंगे वहाँ पूरा। मैं एक टेबल बनाऊंगा, एक डब्बा, उस डब्बे के अंदर पहले मैं ये लिखूंगा, इसके सामने लिखूंगा यूनिक सॉल्यूशन, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, दो इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरे डब्बे का कंडीशन मैं लिखूंगा, अगर ऐसा हो गया तीनों रेशियो बराबर हो गए तो मैं लिखूंगा मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली सॉल्यूशन निकलेंगे उस इक्वेशन के, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइन होगा। तीसरी चीज मैं लिखूंगा, अगर ये दो रेशियो बराबर है तीसरा रेशियो बराबर नहीं है तो ऐसे इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस। ये हो गया कंडीशन। अच्छा, इस कंडीशन के बेसिस पर हमारा थर्ड एक्सरसाइज पूरा पूरा आएगा। दूसरा एक्सरसाइज जब ख़त्म होता है तो उसके बाद के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 18 से शायद स्टार्ट होगा, हाँ एग्जाम्पल नंबर 18 से आगे, और पूरा एक्सरसाइज नंबर 3 सिर्फ ये तीन कंडीशन से बनेंगे। तो ये तीन कंडीशन आप यही समझ लीजिए, ये कंडीशन कहाँ से निकल के आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकल के आते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए ये कंडीशन। अच्छा, ये कंडीशन हो गई, अब मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ। अब हम आते हैं वापस, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास है और हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। ये नोट करेंगे आप, ठीक। अब देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसा बनेगा, यहाँ पर देखिए ना, हमने रिजल्ट क्या निकाला, ये एक्स इज इक्वल टू इतना, वाई इज इक्वल टू इतना। मैंने देखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर अलग कर रहा हूँ दोनों से। ये जो ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी है इसको मैं इक्वल के इस पार ला रहा हूँ, तो ये ऊपर है इधर आएगा तो x के नीचे आ जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, x अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, और इधर क्या बचेगा, अगर ये पूरी चीज़ इस तरफ आ गई तो यहाँ वन बचा, और डिवाइडेड बाय जो है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये बचा, ठीक। इसी तरह देखो ना, y के साथ भी हम यही करते हैं, ये ऊपर वाला क्वांटिटी y के नीचे ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो इक्वल के बाद उधर क्या बचेगी, 1 अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। इसको ज़रा ध्यान से देख लो एक बार, अच्छी नज़र से ध्यान से एक बार इसको आप देख लीजिए, ये हो गया। आप देखिए ना, x अपॉन ये चीज़ किसके बराबर है, 1 अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के बराबर, ये चीज इसके बराबर है और ये चीज भी इसी के बराबर है, 1 अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। देखो ये चीज इसके बराबर और ये चीज इसके बराबर, लेकिन ये दोनों चीजें, ये और ये आपस में बराबर है, सेम सेम चीज है, ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, सेम है। अब अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसी के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये चीज़ आप समझते हैं, ठीक है। तो मैं इनको बराबर लिख देता हूँ, x अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये और ये बराबर हो गए, y अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन किसके बराबर, इसी के बराबर, इक्वल टू 1 अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये बराबर हो गए और ये बन गया हमारा फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब कहोगे भैया ये याद कहाँ से हो पाएगा, इतना कठिन फॉर्मूला कैसे याद होगा, बहुत मुश्किल हो गया ना याद करना, इतने सारे नंबर ए बी सी डी 1 2 3 4 कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो याद करने का जुगाड़ देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे याद करना है।
सबसे पहले क्या करना है, देखो ना मेन फॉर्मूला यही है, डेरिवेशन से यही आया रिजल्ट, इस रिजल्ट को आगे हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। याद करने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। यहाँ लिखना है x अपॉन, इक्वल लगाना है y अपॉन, इक्वल लगाना है 1 अपॉन, ये तो लिख लेंगे आप ना, x y 1 बराबर बराबर, और सबके नीचे कुछ कुछ आएगा। अब देखो कैसे लिखना है, लिखना ऐसे है, देखना ना, दिस इज BC माइनस BC, B के बाद C आता है, उसके बाद ये C है तो ये C से स्टार्ट होगा, C के बाद A आएगा, क्यों, क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं गोल गोल, ये इसको मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, ये है हमारा B, B के बाद कौन आएगा C, तो यहाँ क्या रहा होगा A, यहाँ से स्टार्ट किए A B C, ये ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं हम लोग, तीसरा तो कोई वर्ड ही नहीं है ना, A है B है C है, याद करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कौन कौन आता है, ए बी सी डी तो आता नहीं है, इसलिए ये सर्कल में देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, बी से, तो बी से सी जाएंगे तो सी से कहाँ आना पड़ेगा ए, क्योंकि डी तो है ही नहीं, ठीक, तो सी के बाद ए आएगा, तो सी ए माइनस सी ए, अब ये ए पर ख़त्म हुआ, फिर ए से स्टार्ट करेंगे ए, तो ए के बाद कौन आएगा बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी माइनस ए बी, ठीक है, ये लग गया, फिर से पहचान लो, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, यहाँ तक आप समझ चुके, ठीक। अब नंबर लगाना है, नंबर लगाने का जुगाड़ देखो, सिर्फ क्या करना है, 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1, बन गया, मिला लो, देखो 1 2 2 1, B1C2, B2C1, C1A2, C2A1, C1A2, C2A1, A1B2, A2B1, A1B2, A2B1, बन गया, समझ आया, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और, उसके बाद फिर इसको हम ख़त्म करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम लोग आगे के क्वेश्चनों में करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप इसी को देख के पागल हो जाएंगे, आप कहेंगे ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ज़बरदस्ती का पढ़ाए दे रहे हो, ऊपर से इसको बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हो, बहुत लंबा वीडियो बन गया, तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका यूज़, इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं यहाँ पर उठाता हूँ और इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। हमारा टॉपिक ये है कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कहीं किए ही नहीं आप, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से बना के प्रूव कर दिए इधर उधर घुमा के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं, तो देखो क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, देखना ना, ये जो चीज़ यहाँ मैंने लिखी है ये कैसे बनती है एक्चुअल में, देखिए कैसे बनती है, ये हम लिखते हैं एक्स इक्वल, ये हम लिखते हैं वाई इक्वल, और ये मैं लिखता हूँ वन, ठीक है। और असल में ये चीज़ कैसे बनती है देखना, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखना ना, B B C C, ठीक है, यहाँ पर C C A A और यहाँ पर A A और ये B ये B, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसमें फिर से हम 1 2 1 2 1 2 लगाते हैं। अब 1 2 1 2 कैसे लगाना है, ऐसे देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये लग गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ए इसका मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यही तो कहलाता है। बी वन सी टू, ये लिख दिए बी वन सी टू, फिर माइनस साइन लगाए, और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन लगाने के बाद बी टू सी वन, देखो माइनस बी टू सी वन, दिख रहा है। इसी तरह से पहले इसको मल्टीप्लाई किए, ये सी वन ए टू, सी वन ए टू, फिर माइनस साइन लगाए, और उसके बाद हमको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, सी टू ए वन, देखो माइनस सी टू ए वन। सिमिलरली तीसरे केस में भी हम यही करेंगे, यहाँ पर भी हम ए वन बी टू करेंगे, देखो ए वन बी टू, माइनस साइन लगाए, और उसके बाद A2B1, ये
तो तुम चाहो ऐसे ही याद कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तुम चाहे ऐसे याद रख लो, या अभी मैंने याद करने का तरीका बता दिया कि बी सी बी सी लिखो, सी ए सी ए लिखो, ए बी लिखो, और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 लगा दो, याद हो गया आपको। या ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये क्यों रखा गया, तो इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये हो गया। अच्छा चलिए, इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। अब इस पर क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन आपको बनाना है। अब आप एक काम करेंगे, क्या अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाया, एलिमिनेशन मेथड बनाया, उसमें एक एग्जांपल कॉमन लेकर के सॉल्व किया, वही कॉमन एग्जांपल आप यहाँ पर भी लीजिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालिए ओरिजिनल जनरल फॉर्म से कंपेयर करके, और जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू आ रही है रख के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखिए, सबट्रैक्ट करके डिवाइड करके, और ये इक्वल टू ये करोगे तो x आ जाएगा, ये इक्वल टू ये करोगे y आ जाएगा। कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करो x आ जाएगा, इसको और इसको इक्वल करो y आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कि आ जाएगा, करके देखो, और नहीं बनता है तो फिर आगे हम एग्जांपल्स में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस मेथड से, तो वहाँ पर हम इसको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं, एग्जांपल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा अलजेब्रिक मेथड होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।